Hello everyone, welcome in Techtism. Today I am going to talk about Mongo's schema. Firstly, I will tell you the definition of the Mongo's. तो डेफिनेशन में आपको बताना चाहूंगा, इसके बारे में बताना चाहूंगा कि क्या होता है मोंगोस स्कीमा। तो शुरू करते हैं। एवरीथिंग इन मोंगोस स्टार्ट विद अ स्कीमा। Each schema maps to a MongoDB collection and defines the shape of the document with that collection. कहने का मतलब ये है कि हर Mongo's schema एक collection create करता है। Collection मैं आपको दिखाऊंगा, पहले इसके बारे में जान लेते हैं। I hope it is very much visible to you. Firstly, we had required, पहले हमने require किया है यहाँ पे Mongoose, जो जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि ये एक तरीका collection या schema को create करने के लिए use किया जाता है। हमने यहाँ पे author schema create किया है Mongoose के through। First name दिया हुआ है यहाँ पे type string, इसको हम ऐसे भी दे सकते हैं पूरा ना लिख के। इसमें हमने ब्रैकेट इसलिए लगाया क्योंकि हमने इसमें कई चीजें, यानी एक से ज्यादा चीजें लिखी हुई हैं। अगर हमें सिर्फ टाइप स्ट्रिंग देना होता तो हम ऐसे दे सकते हैं, सॉरी ऐसे दे सकते हैं। हम लोग ब्रैकेट लगा के इसलिए दे रहे हैं क्योंकि हम इसके अंदर कई चीजें लिख रहे हैं। लास्ट टाइम हमने दिया है टाइप स्ट्रिंग और रिक्वायर टू। रिक्वायर टू का मतलब यहाँ पे है कि इसको देना मैंडेटरी है। अगर ये नहीं देंगे पोस्टमैन में या वैल्यू देते समय तो ये एरर देगा। टाइटल हमने यहाँ पे दिया है टाइप स्ट्रिंग, रिक्वायर टू रिक्वायर्ड ये भी ट्रू है। इनम यहाँ पे दिया है मिस्टर मिसेस एंड मिस, ये इसके अलावा अगर कोई भी वैल्यू होती है तो वो एरर शो करेगा। ईमेल यहाँ पे दिया है टाइप स्ट्रिंग, रिक्वायर ट्रू यूनिक ट्रू। यूनिक ट्रू मीन्स इट शुड बी यूनिक, मतलब कॉमन नहीं होना चाहिए कि किसी और ने वही ईमेल एंटर किया, आपने भी वही ईमेल डाला है, तो कॉमन नहीं होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। पासवर्ड टाइप स्ट्रिंग रिक्वायर ट्रू। टाइम स्टैम्प True is equal to true means आपने इस डॉक्यूमेंट को कब क्रिएट, इस कलेक्शन को कब क्रिएट किया है, उसकी उसकी टाइमिंग रखता है। ठीक है। मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट इज इक्वल टू मोंगोस डॉट मॉडल। ऑथर कलेक्शन हमने यहाँ पे क्रिएट किया है, ऑथर स्कीमा। फाइनली हम इसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि ये बाई डिफॉल्ट प्राइवेट होता है, एक्सपोर्ट करके इसे हम लोग पब्लिक कर रहे हैं। If you don't know about the collection, then I'll quickly show how the collection looks like. So this is the collection which is created after the Mongo's schema. Thank you. That's all for today. Thank you.